अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप YouTube चैनल देख रहे हैं एसएन अफरीदी स्पीक्स। इस्लामिया कॉलेज ऑफ बहावलपुर में जो नंगी वीडियो का स्कैंडल सामने आया कुछ दिन पहले, उसमें सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इस्लामिया कॉलेज बहावलपुर इजाज़ शाह तो शामिल थे, लेकिन अब उस स्कैंडल में एक नया इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ आपके लिए भी हैरत का बायस होगा कि उसमें जो वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, उसका बेटा मुलविस पाया गया है और वो उनके मेन किरदारों में बताया जा रहा है। नाज़रीन, ये वही तारिक बशीर चीमा हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने सबसे पहले फ्लोर क्रॉसिंग की, लोटा बने, वफादारियाँ तब्दील की, लेकिन अब वो ख़ुद इस तरह के एक स्कैंडल में मुलविस पाए गए हैं कि अब उनका आवाम के बीच में जाना इंतहाई मुश्किल होगा और उसको अपना जो सियासी साख है उसको बहाल करना भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, तारिक बशीर चीमा के खिलाफ बहावलपुर में बहुत सारे मुजाहरे हुए, लोगों ने उनकी तस्वीर जलाई और इसके अलावा सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा, आपके बेटे भी इस स्कैंडल में मुलव्वस है, तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया और सहाफ़ी के किसी भी किस्म के सवाल का जवाब देने से इनकार किया। नाज़रीन, वो सवाल का जवाब दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि इस तरह के जो स्कैंडल है उनमें बहुत सारे जो ताकतवर लोग होते हैं उनके अयाश बेटे मुलव्वस पाए जाते हैं, तो तारिक बशीर चीमा की इतनी औकात नहीं है कि वो इस सवाल का जवाब दे। और दूसरी तरफ ये भी है कि उनको ये भी मालूम है कि जो ताकतवर लोग हैं उनको सज़ा देना इस मुल्क में काफ़ी मुश्किल है, यहाँ का कानून इतना मजबूत नहीं है कि वो ताकतवर लोगों को यहाँ पर सज़ा दे सके। तारिक बशीर चीमा ने सहाफ़ी से क्या बातचीत की और उनके गुस्से का जो इजहार है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो भी मेरे पे इल्जाम है।